नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और पूर्व विधायक संजीव आर्य पर बाजपुर में हुए हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर हमले की घटना की निंदा करते हुए हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना को प्रदेश में भाजपा सरकार की तरसाही बताते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह पवार, युद्धवीर सिंह वर्तवाल, जिला उपाध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट, बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व सदस्य ओम प्रकाश नेगी, महिला कांग्रेस की कार्यकारी जिला अध्यक्ष उषा रावत, कांग्रेस जिला महामंत्री हरिंद्र सिंह राणा, रविंद्र नेगी, जिला उपाध्यक्ष भगत कनियाल, जिला उपाध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद हटवाल, जिला महामंत्री धीरेन्द्र गरोडिया, विधानसभा यूथ अध्यक्ष योगेंद्र बिष्ट, वरिष्ठ यूथ मुकुल बिष्ट, व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री पुष्कर सूरी, जिला महामंत्री सेवा दल कैलाश झिंकवाड़, जिला महामंत्री सेवा दल महिला अंजू राणा, सोहनी भंडारी, राजेंद्र सिंह नेगी, कुंवर सिंह भंडारी, किशोर लाल, गब्बर सिंह रावत, प्रताप लाल, श्याम लाल, यूडी पुरोहित, कैलाश तिवारी, महामंत्री विक्रम सिंह रावत आदि मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट।